इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में स्थायी वेतन में अवकाश कटौती के विरोध में हड़ताल पर बैठे स्थायी प्राध्यापकों की हड़ताल अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बदल गई। आज दो महिलाओं प्राध्यापकों सहित चार प्राध्यापक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में तब्दील हो गई। प्राध्यापकों ने कहा कि जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब उन्हें फिक्स वेतन 27,000 रुपए देने की बात हुई थी, लेकिन अब विश्वविद्यालय प्रशासन उनके वेतन से अवकाश का वेतन काट रहे हैं, जो सरासर नियमों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मान लेता, वह तब तक अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। हम आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के 7 दर्जन से अधिक प्राध्यापक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ऐसे में छात्र भी अब कक्षाओं को छोड़कर धरना स्थल पर जुटने शुरू हो गए हैं। हड़ताल पर बैठे, क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं और आगे क्या आपकी रणनीति है? देखिए सर, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी जो 27,000 सैलरी है वो हमें क्रेडिट कर दी जाए, क्योंकि जब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में फिक्स लिखा हुआ है तो फिक्स का मतलब फिक्स होता है। यहाँ पे आप कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकते, फिक्स वर्ड का मतलब होता है फिक्स। सिर्फ एक ही मांग हम 22 फरवरी से लेकर बैठे हैं, उससे पहले भी हम कई बार उनके पास जा चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, बट फाइनली हमने 22 फरवरी से हम यहाँ पे धरने पे बैठ गए। जब हमारी मांगे पूरी ही नहीं हुई तो फाइनली हम लोगों ने भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया, क्योंकि मजबूर होकर ही हमें ये स्टेप लेना पड़ा। कोई प्रशासन से बात हुई है? यूनिवर्सिटी प्रशासन? हाँ, डेली हमारी उनसे बात होती है। वो लोग बार बार सिर्फ एक कमेटी की बात कर देते हैं। कल से तो कमेटी की बात हो रही है, उससे पहले वो हमेशा एमडीयू का बात कर रहे थे कि एमडीयू में जो हो रहा है हम लोग वही करेंगे, हम एमडीयू को फॉलो कर रहे हैं। बट कल जब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि एमडीयू में भी वो रेगुलर ही दे रहे हैं सबको, 12 महीने की सैलरी दे रहे हैं जो उनकी फिक्स है, तो यहाँ पे जब हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आ गई, हम दोबारा उनसे मिलने गए तो उन्होंने एमडीयू की बात करने से ही मना कर दिया। वो एमडीयू की कोई बात ही नहीं कर रहे, अब वो सीधा कमेटी पे फोकस कर रहे हैं कि 9 लोगों की हमने कमेटी बना दी है, जो कमेटी है वो 12 तक हमारा फैसला दे देंगी, बाकी हमारे सारे ग्रुप मेंबर है वो सभी मना कर रहे हैं कमेटी के लिए, क्योंकि सबको पता है कि कमेटी उनकी है, उनके ही लोगों की है। और जब हमारी मांगे जायज है, एक छोटी सी मांग है कि हमारी सैलरी हमें दे दी जाए, कोई भी वेतन हमारा ना काटा जाए, क्योंकि जो छुट्टियां हैं वो गवर्नमेंट इनकी तरफ से दी हुई है, हम लोगों ने कोई डिमांड नहीं की। अगर छुट्टियों का वेतन कटने लगा तो ऐसे संडे को भी छुट्टी होती है, दिवाली पे हमें 1 वीक का ऑफ मिला था तो वहां पे उन्होंने छुट्टियां नहीं काटी। इन्होंने दिसंबर को ही क्यों इश्यू बनाया हुआ है कि दिसंबर की जो छुट्टियां विंटर वेकेशन है वही क्यों काटा हुआ है, तो ये चीजें हमें भी नहीं समझ में आ रही है, ना ये हमें चीजें बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। बट ये धरना तब तक जारी रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट से हम पिछले 22 फरवरी से यहाँ धरने पे बैठे हुए थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन से हम बार बार बात कर रहे थे, हमारे को डराया धमकाया भी गया कि आपकी नौकरी जो है समाप्त कर दी जाएगी, यहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। हमारे को कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया प्रशासन के द्वारा। मांगे अगर प्रमुख मांगे हैं अगर बात करें तो वो क्या थी आपकी? हमारी प्रमुख मांग ये है, जिस टाइम यूनिवर्सिटी ने एडवर्टाइजमेंट निकाला था अपॉइंटमेंट करने के लिए जुलाई में, उसमें एक लाइन लिखी गई थी, 6 नंबर पे है वो, हम आपको दे देंगे कि आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी पर मंथ, फिक्स सैलरी 27,000 जी, जो कि अब जैसे 24 तारीख से 6 जनवरी तक हमारी डिडेज हुई थी, तो उसमें फिर हमने हमारे बिल सबमिट किए सैलरी के, तो वो जो है सैलरी के हमारे काट के देने की बात कही गई जी, तो ये गलत है सरासर। कितने इससे प्रभावित हुए आप? कितने 82 लोग जो है टीचर है हमारे, अतिथि प्राध्यापक यहाँ प्रभावित है 82 है। हाँ जी। अगर बात हुई तो आप काफी लंबे समय से बैठे हुए, आज भूख हड़ताल जारी है। हाँ जी, हाँ जी। तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, कितने लोग आप बैठे हैं यहाँ पर? हम 4 बैठे हैं, 2 फीमेल टीचर हैं, 2 मेल टीचर हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो हमने यूनिवर्सिटी को कल ज्ञापन भी दिया था, गवर्नर साहब को फैक्स किया था, DC रिवाड़ी को इंटीमेट किया था फैक्स के द्वारा जी, हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठने को जा रहे हैं, हमारी मांगे जल्द से जल्द जो है समाधान करवाया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। और बच्चे भी आपके साथ में बैठे? हमारे साथ बच्चे भी आ गए, परेशान होके क्या करें। अगर भूख हड़ताल जैसे कदम आप उठा रहे हैं, इसके बाद भी अगर कहीं नहीं चेता तो फिर आगे क्या रणनीति? भूख हड़ताल रहेगी अनिश्चितकालीन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती।